दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि कभी आप अपने फ़ोन में कहीं से कॉल लगाते हो फ़ोन से, और कॉल लगाते टाइम पे आपको एक वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, टैप टू गो बैक कॉल इन प्रोग्रेस। तो अगर आपके पास एक डिवाइस है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आपके फ़ोन में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम जरूर से आ जाएगा। तो अगर ये प्रॉब्लम आता है तो कैसे इसको सॉल्व करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, और नहीं फेस करो तो फिर भी इस वीडियो को देख लो, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपके फ़ोन में अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से एक सेकंड में। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी आपको इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब देखने को मिलता रहेगा। क्योंकि मैं इस चैनल पर खाली प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो सब बनाता हूँ, तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपके मोबाइल में, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में कभी ये प्रॉब्लम आता है, जैसे आप कॉल यहाँ पे डायलर ओपन करते हो और कॉल लगाने के लिए किसी नंबर पे कॉल करते हो, तो आपको वहाँ पे शो होता है टैप टू गो बैक कॉल इन प्रोग्रेस। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल में आपको यहाँ सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद में अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप्स के नाम से, सिंपली ऐप्स के नाम यहाँ ऐप्स पे क्लिक करना है, और ऐप्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सिस्टम ऐप सेटिंग्स मिलता है, और नीचे एक मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिलता है, इस पर क्लिक करके सर्च करना है आपको फ़ोन। अब जैसे ही फ़ोन सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे फ़ोन एंड फ़ोन सर्विस का दो एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फ़ोन पे क्लिक करना है आपको, फ़ोन पे क्लिक करने के बाद में स्टोरेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लियर डाटा का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से बैक आना है, और यहाँ पे फ़ोन सर्विस जो आपको देखने को मिला है, इसे भी क्लिक करके स्टोरेज पे क्लिक करना है, क्लियर डाटा पे क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा कर देना है, और उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके बाद भी नहीं होगा, आपको सिंपली इतना करने के बाद में एक बार अपने फ़ोन को कर देना है रीस्टार्ट। 5 मिनट के लिए अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर से स्विच ऑन करिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगा एडवांस लेवल का, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।